हिंदी 18 न्यूज। अतीक अहमद मतलब आतंक का दूसरा नाम। अतीक अहमद के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है उतनी कम उसकी सियासी उपलब्धियां रही हैं। अतीक अहमद का जन्म 10 जनवरी 1962 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिताजी फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाने का काम किया करते थे। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद ने आतंकी दुनिया में प्रवेश कर लिया था। पुलिस के मुताबिक इनके खिलाफ लगभग 109 केस दर्ज हैं, जिसमें शांति भंग करना, अपराध, अपहरण, सरकारी कामों में दखलअंदाजी, हत्या, पुलिस के साथ मारपीट और भी कई सारे जुर्म शामिल हैं। इनके खिलाफ FIR न केवल यूपी में बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार में भी दर्ज है। अतीक अहमद के पिताजी भी आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं। इनके पिता के नक्शे कदम पर चलने के कारण ही अतीक अहमद पर साल 1983 में पहला केस दर्ज हुआ था और फिर इसके बाद इनके नाम की अपराध की दुनिया में तूती बोलने लगी। फिर इसके बाद पुलिस और अतीक अहमद के बीच लुका छुपी का खेल शुरू हो गया। अतीक अहमद के गुनाहों की शुरुआत साल 1979 में होती है, जब उस पर एक हत्या के आरोप में केस दर्ज किया गया था और इसी के लगभग 10 साल बाद 1989 में इन पर माफिया चांद बाबा के हत्या का आरोप लगाया गया था। इस हत्या के सिलसिले में इन्हें एनकाउंटर का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने चुनाव की दुनिया में कदम रखा और निर्दलीय चुनाव जीत कर सभी को चौंका दिया। इन्हें समाजवादी पार्टी से भी टिकट मिला था और फिर इनके गुनाहों का सिलसिला चलता गया। इनके गुनाहों के लिस्ट में केवल अतीक अहमद ही नहीं बल्कि इनका पूरा परिवार शामिल है। अतीक अहमद के गुनाहों का खौफ इतना था कि लगभग 10 जज ने इनका केस खारिज कर दिया। इसके बाद अतीक अहमद ने साल 1991, 1993, 1996 और साल 2004 में लगातार जीत हासिल की। लगातार पहले दो चुनावों में अतीक अहमद निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते और इसके बाद 1996 में डॉक्टर सोनेलाल के अपना दल से चुनाव जीते। साल 2002 में अतीक अहमद खुद के दल का प्रत्यक्ष सांसद चुना गया। इसके बाद मुलायम सिंह के साथ रहकर फूलपुर में भी सीट मिली, जो कि देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। साल 2004 तक अतीक अहमद ने जिस भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है उसे उसमें जीत हासिल हुई। इसके बाद अतीक अहमद ने अपने भाई असीम अशरफ को सपा के विधानसभा की सीट दिलाई, जिसमें उनके खिलाफ राजू पाल खड़े थे और इस चुनाव में राजू पाल जीत गए थे। विधायक बनने के बाद राजू पाल यादव को कई जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा। साल 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद का नाम शामिल है। इसके बाद साल 2007 में बसपा की सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने अतीक अहमद पर शिकंजा जमाया और एक के बाद एक लगभग 10 केस अतीक अहमद पर लगा दिए। पुलिस की बढ़ती व्यवस्था को देखते हुए अतीक अहमद ने दिल्ली में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद 2014 में सपा की सरकार बनते ही अतीक अहमद की जमानत हो गई। अतीक अहमद 2014 में फिर चुनाव के लिए खड़े हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर इसके बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम बने और फिर एक बार फिर से अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। एक घटना के दौरान देवरिया से कुछ व्यापारियों को जेल ले जाकर जेल के अंदर उनकी पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित व्यापारियों ने भी अतीक अहमद का और उनके बेटे का नाम लिया और इसी दौरान जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाया गया, तब अदालत ने उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य जेल में रखने का आदेश दिया और 3 जून 2019 से अब तक अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में ही बंद है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कोर्ट से सुनवाई के लिए अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाने का आदेश दिया गया। वैसे तो अतीक अहमद ने कई जुर्म किए हैं, लेकिन ये जुर्म राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण से संबंधित है और ये पहला केस था जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई। पिछले 44 सालों से अतीक अहमद के खिलाफ 101 गंभीर केस शामिल हैं और इनके अपहरण में 11 आरोपी शामिल हैं, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। इसमें अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें वकील खान, सोलत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं और उनके भाई अशरफ और सुन अशरफ उर्फ और बाकी आरोपियों को सजा मुक्त कर दिया गया। सजा मिलने के बाद अतीक अहमद को प्रयागराज जेल में बंद किया जा सकता है।